अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कराची इंस्टीट्यूट एंड जो भूल गए भाई। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी के IIT एडमिशन स्प्रिंग 2023 के बारे में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे पास इस सेमेस्टर के अंदर कौन कौन से जो प्रोग्राम्स हैं एडमिशन के लिए अवेलेबल हैं, इनके लिए हमने अप्लाई किस तरह करना है। एट द एंड जो है एडमिशन के बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले मैंने यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया है और उसे ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ हाईलाइट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी की यहाँ पर शो हो रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अभी अगर हम बात करें इसमें अवेलेबल डिपार्टमेंट्स की, तो उसके लिए जो है मैंने इसका जो ऐड डाउनलोड किया हुआ जो कि मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि IIT कराची हमारे पास यहाँ पर एडमिशन ओपन है स्प्रिंग 2023 के। और अगर हम बात करें प्रोग्राम की, तो यहाँ पर हमारे पास BS कंप्यूटर साइंस है, BS डेटा साइंस, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BS साइबर सिक्योरिटी, BS इंटरप्रीनियर सॉरी BS इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर MCS है, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, MS कंप्यूटर साइंस, PhD कंप्यूटर साइंस, देन हमारे पास यहाँ पर BE इलेक्ट्रिकल है। इसमें हमारे पास यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग है, टेली कम्युनिकेशन है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। देन हमारे पास यहाँ पर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन अवियोनिक्स है एंड BE मेकाट्रॉनिक्स है एंड BE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है एंड MS इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है और PhD इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। और अगर हम बात करें इसमें एसोसिएट डिग्रीज की, तो इनके पास जो है एसोसिएट डिग्री अवेलेबल है मैनेजमेंट साइंस की, इसमें आपको जो है 25% जो स्कॉलरशिप अवेलेबल है। और BS इंटरप्रीनरशिप है, BS डिजिटल मार्केटिंग है, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS या प्रेम BA एविएशन मैनेजमेंट है, और BBA इनके पास अवेलेबल है, MBA मॉर्निंग इवनिंग वीकेंड प्रोग्राम है, और MS जो है वो मैनेजमेंट साइंसेज है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो है PhD मैनेजमेंट साइंस है। अगर हम बात करें आर्ट्स ह्यूमैनिटीज एंड साइंसेज की, तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो BS साइकोलॉजी है, BS एजुकेशन, BS मैथमेटिक्स, BS इंग्लिश TESL है, और इसमें हमारे पास यहाँ पर BS एक्चुअल साइंस है और BS TV एंड फिल्म प्रोडक्शन है एंड बैचलर इन कंप्यूटर आर्ट्स है, मास्टर्स इन कंप्यूटर आर्ट्स है, और लास्ट में हमारे पास जो है एसोसिएट डिग्री है कंप्यूटर आर्ट्स की और एसोसिएट डिग्री इन TV एंड फिल्म प्रोडक्शन की, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम है ये ओपन मेरिट फॉर FSC एंड A-Level एंड DAE, ठीक है। क्लासेस फ्रॉम फॉल 2023 इनकी जो स्टार्ट होंगी। बाकी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ हाईलाइट्स वगैरह दी हैं, इनके तीन कैंपस की डिटेल दी है। मेन कैंपस है कुरंगी क्रीक में और सिटी कैंपस है शाहराए फैसल में, और सिटी कैंपस इनके पास जो है नॉर्थ नजीमाबाद के अंदर है। और अप्लाई के हमारे पास जो लास्ट डेट है वो 3/7/2023 है। अब अगर हम बात करें कि हमने इसमें अप्लाई किस तरह से करना है, तो अप्लाई करने के लिए देखिए हमारे पास यहाँ पर इतना बड़ा एक ऑप्शन लिखा हुआ है येलो कलर का अप्लाई नाउ का, और इसमें हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वाला एक लॉगिन पोर्टल ओपन होगा। और यहाँ पर देखिए फेसबुक वाले ऑप्शन के अंदर हमारे पास जो उसकी लेटेस्ट जो एड्स हैं वो आपको यहाँ से आपको मिल सकती है, ठीक है। और अभी अगर हम बात करें हमें अप्लाई किस तरह से करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ रजिस्टर नाउ पर, एंड रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जो है वो फुल नेम देना पड़ेगा और यहाँ पर आपको जो अपना ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। और इसके अलावा आपने यहाँ पर जो अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, कोई भी फोन नंबर, और यहाँ पर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिख देना है। और यहाँ पर मैंने नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे आपने बताना है कि आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में एडमिशन के बारे में कहाँ से पता लगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वेबसाइट, देन आपने सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना। एंड सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये देखिए हमें कह रहे हैं कि आप जो है वो रजिस्टर हो चुके और आपकी लॉगिन डिटेल जो है आपके इस ईमेल एड्रेस पर जो है वो जा चुकी है, और हमारे पास जो है आपकी ईमेल एड्रेस ये और पासवर्ड जिन्होंने हमें बता दिया। और फिर आपने यहाँ पर जो है वो प्रोग्राम सेलेक्ट करना है जिस प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई करना है, ठीक है। और सैम्पल जो टेस्ट पेपर होंगे किस टाइप के होंगे वो भी आपको इस पेज से मिल सकता है। जनरल इंस्ट्रक्शन आपको इस पेज से मिल जाएंगी। व्यू कैंपस डिटेल अगर आप करना चाह रहे तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले प्रोग्राम सेलेक्ट करता हूँ जिसके लिए जो है हमने अप्लाई करना है। लेट सपोज मैं यहाँ पर BS साइबर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कर लेता हूँ। सेलेक्ट प्रोग्राम स्पेशलाइजेशन इफ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है तो साइबर सिक्योरिटी, अदरवाइज आप इसको सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जो मेन कैंपस है इसमें मॉर्निंग शिफ्ट में प्रोग्राम अवेलेबल है, तो मैंने इसमें अप्लाई कर लिया, सेव एंड मैंने गो पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि सिस्टम जो आपका डाटा सेव कर रहा है। इसके बाद हमारे सामने देखिए हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुका है। यहाँ पर आप अपनी एक फोटो अपलोड कर देंगे, अपलोड योर इमेज ओनली JPG, अपलोड इमेज यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना नेम लिख देना है,
फादर नेम, मोबाइल नंबर अब्बू का, मदर नेम, नेक्स्ट टू किन बताना है, डोमिसाइल बताना है कि सिटी का बना हुआ है, अपना डोमिसाइल का परमिट बताना है, अपना CNIC नंबर मैंने लिख दिया था यहाँ पर, और डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, पासपोर्ट नंबर बताना है अगर आपका बना हुआ है तो, जेंडर का बताना है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस इन कराची बताना है, सिटी का बताना है, पोस्टल कोड, इस तरह आपने सेम ये सारा अपने अम्मी अब्बू के बारे में बता देना है। और जिन ऑप्शन के ऊपर हमारे पास यहाँ पर स्टार लगे हैं उनका मतलब है कि आपने वो लाजमी फिल करना है, अदरवाइज आपका जो है वो फॉर्म फिल नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा आप आगे नहीं चल सकेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा उसको सिंपली सेव एंड गो पे क्लिक कर, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको सारा कुछ पहले फिल करना पड़ेगा। इसके बाद आपसे जो है आपका अकेडमिक रिकॉर्ड पूछा जाएगा, वो आपने बताना है, देन आपके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, वो आपने बतानी है। एट द एंड जो है आपने इसमें सिंपली सबमिट अप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना, तो इस तरह करके आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर बात करें इनके सैम्पल टेस्ट पेपर की, तो उसके लिए मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे सामने वो सेम वही एड शो हो रहा है, ठीक है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। और सैम्पल जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ कि मेक योर आंसर अप्रोप्रिएट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर लेना सैम्पल पेपर हमारे पास, यहाँ पर सेक्शन 1 इंग्लिश का है, इसमें ग्रामर होगी, पैसेज रीडिंग है, ऐसे राइटिंग है, यहाँ पर मतलब 10 मिनट में 20 क्वेश्चन, 18 मिनट में 20 क्वेश्चन और 20 मिनट का ऐसे राइटिंग है। ग्रामर के बारे में लिखा हुआ, सेक्शन 2 में मैथमेटिक्स है, मतलब क्योंकि मैथ्स के हमारे पास यहाँ पर 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 मिनट होंगे, और वर्ड प्रॉब्लम्स के हमारे पास यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे और 15 मिनट होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ठीक है। सेक्शन सारे सारे उन्होंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आर्ट्स एंड कैंडिडेट्स, मतलब सभी प्रोग्राम्स के जो सेक्शन पेपर है सैम्पल, वो आपने यहाँ से चेक कर लेना है। इसके अलावा अगर आप विजिट करना चाह रहे हैं, कुछ डिस्कवर करना चाह रहे हैं इसके अंदर, इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं, किस बेस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, एडमिशन प्रोसीजर है, ऑनलाइन शेड्यूल है वगैरह वगैरह, तो सारे सारी चीज़ देखिए। जनरल फीस स्ट्रक्चर ये मैं आप ओपन कर लेता हूँ, एंड जनरल फीस स्ट्रक्चर डिटेल में आप ओपन करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। और ये मैंने क्या ओपन किया था, आई थिंक ये भी हम देख लेते हैं। बाकी कैंपस डिटेल थी वो भी यहाँ पर अपना बताया कि हमारे यहाँ यहाँ पर कैंपस है, और ये ओपन नहीं हुआ हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं। जनरल फीस स्ट्रक्चर जो है इनके डिटेल वाला, वो भी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, हम देख लेते हैं इसको। मतलब BBA प्रोग्राम है, इसमें आपकी फ़ी कितनी होगी रेगुलर सेमेस्टर की, और सेमेस्टर 6 15 क्रेडिट आवर्स की और 6 क्रेडिट आवर की, उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई 79,875 रुपीज़, ये टोटल आपकी मिला के बनाई है एडमिशन फ़ी वगैरह सब कुछ। और जैसे हमारे पास यहाँ पर बेस डिजिटल मार्केटिंग की हमारे पास जो है 79,875 रुपीज़ है, BSA एविएशन मैनेजमेंट की हमारे पास यहाँ पर 79,000 है, MBA की भी 79 है इस तरह की। और इसके अलावा अगर हम बात करें BSA कंप्यूटर साइंस की, तो हमारे पास यहाँ पर जो 94,500 है, BSA सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 94,000, BSA डेटा साइंस की 94,000 है, IT की हमारे पास 94,000 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमारे पास 94 है, साइबर सिक्योरिटी की भी 94 है, और इस तरह की जो हमारे पास हो गया फीस स्ट्रक्चर। जैसे हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हमारे पास यहाँ पर 96,750 रुपये बनती है, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जिसके भी आप देखना चाहते हैं। और अगर हम बात करें जनरल फीस स्ट्रक्चर की, तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो जनरल फीस स्ट्रक्चर है वो हमारे पास यहाँ पर एसोसिएट डिग्री का एंड बेस प्रोग्राम्स का, जैसे आप देखें BSA अकाउंटिंग फाइनेंस का 53,225 है, एंड BSA डिजिटल मार्केटिंग का 53,000 है, एंड MBA का हमारे पास यहाँ पर 53,225 बनता है, सॉरी 5,325 अमाउंट आर एस लिखी हुई इन्होंने पर क्रेडिट आवर के हिसाब से हमारे पास ये है, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस का पर क्रेडिट आवर आपका 6,300 रुपये बनता है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना जितने भी आपका क्रेडिट आवर का वो सब्जेक्ट बनता है। एडमिशन फी आपकी 21,000 बनती है, स्कोर डिपोजिट जो कि आपको रिफंडेबल है वो 9,000 रुपीज़ बन रहा है, ठीक है जी। तो बाकी डिटेल आपके यहाँ से मिल जाएगी। और आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, उम्मीद आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी और अच्छी भी लगी होगी। अभी अगर आपके माइंड में इस वीडियो का मतलब कि क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके जी।